हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट जॉब्स। में फ्रेंड्स, आज का जो वैकेंसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से निकल कर आ रही है, विदाउट गेट है, किसी भी एप्लीकेशन फी पे नहीं रखा गया। इसमें ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीड्योर एंड एप्लीकेशन प्रोसीड्योर सब कुछ मैं वीडियो में आगे जाकर डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखिएगा। तो नेक्स्ट चलते ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो फ्रेंड्स, ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो आप लोग देख पा रहे हो कि राइट्स लिमिटेड की तरफ से निकल कर आ रही है, जो एक नवरत्न पीएसयू है और ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। नोटिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आप लोगों को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ रोज शेयर भी कर दिया करो यार, ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के रखिए जॉब के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो स्टार्ट कर दे डिटेल्स नोटिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, यहीं पे इंजीनियर पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। फर्स्ट जो वैकेंसी है उसमें अप्लाई करने के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 40 इयर्स तक रहा गया है। फर्स्ट इंजीनियर मैकेनिकल और मेटलर्जी के लिए अप्लाई करने के लिए, अगर आप लोग मैकेनिकल प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, रेलवेज, मेकाट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल डिसिप्लिन में से 4 साल का बीवीटेक किए और उसके साथ अगर मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए। अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सप्लाई, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में से 4 साल का बीवीटेक किए और उसके साथ अगर मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है इंजीनियर सिविल के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 55 ईयर्स तक रहा गया है। अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग में से 4 साल का बीवीटेक किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो और उसके साथ साथ मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। उसके अलावा हर एक पोस्ट में अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हो तो उस केस में आपके बीवीटेक में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए और एससी एसटी ओबीसी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए बीवीटेक में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। एज रिलैक्सेशन आप लोगों को एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स मिल जाएगी। हर एक पोस्ट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस में आपके क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करके आप लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आप लोग उसमें शॉर्टलिस्ट होते हो तो उसके बाद आप लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप लोग इंटरव्यू में क्वालिफाई करोगे तो उसके बाद आप लोगों का सिलेक्शन यहीं पर हो जाएगी। इंटरव्यू का जो वेटेज है वो 100% रखा गया है। हर एक पोस्ट के लिए इनिशियली आप लोगों को 1 साल के लिए हायर किया जाएगा और उस 1 साल में आप लोगों का परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा। अगर आप लोग का परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो उसके बाद इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। फर्स्ट जो वैकेंसी है जिसमें मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, उसमें आप लोग को सीटीसी 5.08 लाख पर इनाम मिल जाएगी। और सेकेंड जो वैकेंसी यानी कि 5 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है, उसमें आप लोग को मैक्सिमम सीटीसी 7.71 लाख पर इनाम मिल जाएगी। दोनों ही पोस्ट में अप्लाई करने के लिए किसी भी एप्लीकेशन फी पे नहीं है, हर एक कैटेगरी के लिए फॉर्म कम्प्लीटली फ्री है। इसमें अप्लाई करने के लिए आप लोग को इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी वेबसाइट में विजिट करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करना होगा। फर्स्ट जो नोटिफिकेशन है उसमें इंटरव्यू के लिए डेट रखा गया है 18 दिसंबर 2023 और इसमें आप लोग का जो इंटरव्यू होगा वो कोलकाता पे होगा। और सेकेंड जो नोटिफिकेशन है उसमें आप लोग का जो इंटरव्यू होगा वो अहमदाबाद पे होगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, फर्स्ट जो नोटिफिकेशन है उसमें अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट रखा गया है 15 दिसंबर 2023 और सेकेंड जो नोटिफिकेशन है उसमें अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट आ गया है 3 दिसंबर 2023। तो फ्रेंड्स, यही इसका कंप्लीट डिटेल्स नोटिफिकेशन। आई होप आप लोगों को हर एक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो क्वेश्चंस है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ ना टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक और इसमें अप्लाई करने का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जोड़न के साथ। अब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।